हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टैली यूजर्स को हो जाती है कंट्रा ब्राउज़र में। तो आज का टॉपिक टैली प्राइम के एडिट लॉग वर्जन का है और एडिट लॉग में भी हम बात करेंगे कंट्रा ब्राउज़र की। तो किस तरीके से हम कंट्रा ब्राउज़र यूज करेंगे, क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं आपको, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रा ब्राउज़र। इस जो इंटरफेस अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है ये टैली प्राइम है और टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है और ये आपकी मेन मेन्यू है टैली की, क्योंकि ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा होगा और इसी को टैली की मेन मेन्यू कहते हैं, ठीक है, मुख्य मेन्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए कहां जाना है, F3 प्रेस करना है। ये देखिए यहां पे दिया गया है कंपनी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां क्रिएट पे चले जाते हैं, तो क्रिएट पे जाएंगे तो यहां कंपनी नहीं नजर आएगा, कंपनी यहां से नहीं बनेगी। कंपनी बनाने के लिए आपको या तो यहां पे क्लिक करना होगा या तो F3 प्रेस करना है। तो यहां से F3 प्रेस कर लेते हैं, यहां पे क्लिक भी कर सकते हैं और क्रिएट कंपनी पे चले जाइए और जाकर एंटर करिएगा। और एंटर करने के साथ ही एक नया फॉर्म खुलेगा और यहां पर मैं एक नाम डाल देता हूं, रितेश इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज ERIZES, तो रितेश इंटरप्राइजेज के नाम से ये बना लिया। और यहां पर जो हमारा लोकल एड्रेस है वो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं। तो ये हमारा लोकल एड्रेस है और इसी को मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, आपका जो भी हो वो टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी होता है तो स्टेट जरूर डालिएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेट डाल दिया और यहां पर जो भी पिन कोड वगैरह आएगा वो सब डालते हुए आगे बढ़ते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट करा लिया, अभी हमको जीएसटी वेस्टी से कोई मतलब है नहीं, कंट्रोल ए कर देते हैं। तो हमारे पास एक नई कंपनी चालू हो गई है जिसका नाम है रितेश एंटरप्राइजेस, लेकिन इस कंपनी के अंदर हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है, ठीक है। तो एंट्री पास कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम हम कहते हैं कि जब आप कंपनी बनाते हैं तो उसमें आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास कर लीजिए। तो रिसिप्ट वाउचर में, वाउचर में चलेंगे और ये हमारा रिसिप्ट वाउचर। अगर आपके में रिसिप्ट ना शो कर रहा हो तो आप F6 प्रेस कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन बटन F6 प्रेस कीजिएगा। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन बटन दिए होते हैं तो उसमें F6 प्रेस करना है और आ जाएंगे आप रिसिप्ट वाउचर में। और कभी कभी इंटरफेस आपके सामने ऐसा भी नजर आएगा, तो देखिए ये जो है ऐसा दिखेगा। तो अगर आप, हालांकि एंट्री ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्म में तो यहां से जाएंगे, ये चेंज मोड पे जाएंगे और ये डबल एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है, एंटर करिएगा, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे सबसे पहला काम लेजर क्रिएशन का है। तो लेजर क्रिएशन दो तरीकों से होता है, एक शॉर्टकट की मदद से और दूसरा टैली प्राइम के एडिट लॉग में इतना जबरदस्त ये फीचर दे दिया गया है कि यहां पर जाते ही क्रिएट पे चला जाता है कर्सर और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो वहां पर आपके पास लेजर क्रिएशन वाली विंडो खुल जाती है। अब देखिए ये खुल गया, तो कंपनी में लगाए जाने वाले फंड क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो यहां पे मैं बना लेता हूं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, यहां पर आए एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद कितना फंड हम लगा रहे हैं, ठीक है, कितना फंड हम लगा रहे हैं वो चीज यहां पे देनी है। और यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये मान लीजिए कैश में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारा हो गया पहली एंट्री, पहली एंट्री हमने पास कर ली। अब दूसरे एंट्री की बारी आती है, यानी कंट्रा वाउचर की बारी अब आ गई, तो कंट्रा वाउचर में चलेंगे। अब ये कंट्रा वाउचर है हमारा और यहां पर समस्या ये होती है कि कैसे एंट्री पास करी जाए और क्या किया जाए और इसमें कौन सी एंट्रीज होती है। तो देखिए कंट्रा वाउचर में जो एंट्री होती है ना, वो अपने खाते से अपने खाते में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होती है, ठीक है, अपने ही खाते से अपने खाते में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए होती है कंट्रा वाउचर में एंट्री। और सबसे आसान तरीका बताता हूं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट दिखाई दे रहा होता है और ऐसे में दिक्कत बहुत होती है। तो मैं आपको एक बहुत 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 ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की है, देखिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है और या तो यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस कीजिए या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के साथ ही ये विंडो ओपन होगी और आप सिंगल एंट्री मोड पे चले जाइएगा और जैसे ही जाते हैं तो एंटर करिएगा। और एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, एक जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये ऊपर आपको अकाउंट दिख रहा है ना, जिस भी आप, जो भी आपका अकाउंट है जिसमें पैसा जा रहा है, जिसमें पैसा इन हो रहा है, जिसमें पैसा आ रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, वो अकाउंट का नाम यहां पे डालेंगे। तो हमने तो अभी कोई बैंक अकाउंट बनाया ही नहीं, तो हम बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, तो ये हमारे बैंक, बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा बैंक अकाउंट, तो इसे अंडर बैंक अकाउंट डालिएगा। आप देखिए यहाँ पे कई चीजें नजर आ रही हैं, बैंक अकाउंट है, बैंक OCC अकाउंट है, बैंक OD अकाउंट है, ब्रांच डिवीजन है, तो आपको बैंक अकाउंट ही रखना है, ये चीज ध्यान देनी है।
ठीक है, बाकी यहां पर आएगा क्या आपका अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर अकाउंट नंबर डाल दिया, ये हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहां पर आएंगे तो ये देखिए स्विफ्ट कोड है और तमाम चीजें हैं, तो ये सब मत डालिए, छोड़ दीजिए इसको। यहां पे ब्रांच आएगा, तो यहां पे ये ब्रांच लिख दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया। यहां पे चाहे तो चेक नंबर, आप चेक इशू करना चाहे तो चेक भी इशू कर सकते हैं, जब यहां से यस करेंगे, ये यस करेंगे तो देखिए यहां पर जो है कहां से चेक नंबर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लिमिट यहां पे तय कर देता हूं, ये देखिए ये हो गया, तो इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है वो भी मैं यहां पे दे देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया और यहां पे इस तरीके से कर देते हैं, ये हो गया। तो एक मिनट यहां पे आकर के और ये कर दिया हमने, ये देखिए 193 चेक जो है इशू हो गए। और चेक पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूं, जो भी नाम आप चेक पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहां पे डालिएगा, ठीक है ना। तो यही नाम प्रिंटेड होगा चेक पे, ठीक है। एंटर करेंगे, यहां पर देखिए ये, ये हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर कोटक महिंद्रा आ गया। अब मान लीजिए कि कोटक महिंद्रा में आप कैश जमा कर रहे हो तो यहां से कैश का लेजर लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास पैसा है, ठीक है, कैश में है, तो हम यहाँ सीधा कैश का लेजर लगाते हैं, कितना रुपया है देख सकते हैं आप। तो मान लीजिए कि 50,000 रुपया हम या 5,000 रुपया हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 5,000 रुपया अपने खाते में डाल रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में डाल रहे हैं, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब 2,000 का तो नोट में बंद हो गया है, तो यहां पर आते हैं 500 के नोट पे, ठीक है। तो कितना पैसा हम कोटक महिंद्रा में डाल रहे हैं, तो 5,000 रुपया डाल रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 500 की 10 नोट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ 5,000 रुपया आ गया और यहां पर आप नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल इसको स्किप करता हूं। तो ये आपकी हो जाएगी कंट्रा वाउचर की एंट्री, आसान है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से पैसा जैसे आपने एक बना लिया ना कि कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन अगर किसी अन्य बैंक में होता हो तो उसका नाम ऊपर हम दे देंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी अन्य बैंक में डालना है, आप ही का बैंक अकाउंट है लेकिन किसी अन्य बैंक में है, तो जैसे मान लीजिए SBI कर दिया हमने, यहाँ SBI लिखा, SBI का भी बनाना पड़ेगा आपको, तो जो भी आपका SBI का हो वो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये, और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये तमाम डिटेल भरते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए, इस बार चेक मैं इशू नहीं कर रहा, ठीक है। और यहां से जाएंगे तो यहां पे देखिए, अब हमारे जैसे मान लीजिए कि हमको SBI में पैसा डालना है, किससे, कोटक महिंद्रा बैंक से, तो कोटक महिंद्रा बैंक में जितना रहेगा उसी में से डालेंगे, तो 2,000 रुपया डालना है, ये देखिए 2,000 रुपया गया, तो कोटक महिंद्रा से किस में चला जाएगा, SBI में चला जाएगा, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है ना। एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे ये एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो आप सिंगल एंट्री मोड में ले लीजिए, कंट्रा में सिंगल एंट्री में बहुत आसानी से एंट्रीज पास हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।